बैडमिंटन कोर्ट पर धड़ाधड़ शॉट्स लगाती और करतब दिखाती, और सबसे बड़ी बात है वो जैसे प्लेयर को लगातार भगाती भी। ये एक आम इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, आईपीएस भी बनी है। पहली अटेम्प्ट में इन्होंने 178 रैंक हासिल किया, संभवतः आपको आईपीएस मिले। कितना मुश्किल रहा ये दोनों जर्नी। ये लोग कहते थे खेल में आपका जैसे अल्टीमेट एम होता है ओलंपिक्स, पढ़ाई में अगर आप इंडिया में हैं तो यूपीएससी वन ऑफ द अल्टीमेट गोल्स होता है। बहुत डिफ़िकल्ट तो था ही, क्योंकि आई थिंक दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा अपनी डेडिकेटेड एनर्जी चाहिए होती है। जब प्रोफेशनली खेल रही थी तो वहाँ पे 6 से 8 घंटे की रोज़ रिगरस ट्रेनिंग थी, और जब यूपीएससी के लिए पढ़ रही थी यहाँ 10 से 16 घंटे की रोज़ 2 साल की पूरी पढ़ाई थी। तो आई थिंक दोनों ही बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। आपको एक्सीडेंटल आईपीएस बोलूं, लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो आपको एसीएल टियर हुआ इसलिए आप को छोड़ा, वो बताएं जरा। हाँ, आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इसमें मेरी किस्मत इस तरह से प्ले आउट करी। पहले कोविड का लॉकडाउन हुआ, फिर कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, फाइनली एक एसीएल सर्जरी हो गई जिसको मतलब एसीएल इंजरी हुई जिसको सर्जरी की ज़रूरत थी। तो ओवरऑल एक 1.5 साल का फोर्स्ड ब्रेक हुआ स्पोर्ट्स से, क्योंकि मेरा सपना तो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स था लाइक मैनी अदर एथलीट्स। तो इस फोर्स्ड ब्रेक को बस मैंने सोचा कि ऐसे 1.5 साल अब क्या करूँ, तो तब मुझे लगा कि नहीं, यूपीएससी करना चाहिए। वो भी मेरा एक बहुत पहले से सपना था, उस तरफ मेरा इंक्लिनेशन था कि मैं अपनी कंट्री की इस तरह सेवा करूं। तो फिर मैंने इसलिए यूपीएससी का उस वक्त सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज करता है। जो लोग कहते हैं कि मतलब जो पढ़ते हुए खेल नहीं सकते या आप खेल रहे हो तो पढ़ नहीं सकते, उन दोनों के लिए आपकी तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज आता है इस अचीवमेंट में। हाँ, आई थिंक वैसे दोनों को साथ में बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट तो है ही, क्योंकि दोनों अपनी डेडिकेशन और किया जा सकता मानते हैं, बट करा जा सकता है जो बच्चा करना चाहे। मगर इसमें ये ज़रूर है कि अगर ये करते हैं तो बहुत सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, क्योंकि फिर लाइफ में कोई तीसरी चीज़ का टाइम नहीं बचता। तो वो कॉलेज लाइफ हो, स्कूल लाइफ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, एक नॉर्मल जैसे यंगस्टर हो, कुछ भी, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। फैमिली फंक्शन वगैरह सब मिस करे ही हैं, तो आई थिंक फिर ये एक पार्ट हो जाता है। और एक जैसे मैं गेम्स में जानता हूँ और यूपीएससी के बारे में भी जानता हूँ कि आपको अल्टीमेट फोकस रिक्वायर्ड होता है, आपको लगता है गेम्स के फोकस ने आपको यूपीएससी में मदद भी की? हाँ, डेफिनेटली जो मेरा 10-12 साल का एक प्रोफेशनल एथलीट का एक्सपीरियंस रहा, उससे ऐसे बहुत सारे स्किल्स मुझ में डीपली इंग्रेन्ड हो गए थे जिन्होंने मुझे इस यूपीएससी जर्नी में हेल्प करा। डिसिप्लिन, फोकस, पूरा एनालिसिस एंड प्लानिंग, आई थिंक सबसे ज़्यादा अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल होके अपनी कमियाँ देखना। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्पोर्ट से सीखी। और ऑल्सो आई थिंक स्पोर्ट में हम हार जीत साथ में देखते रहते हैं, बट फिर भी हम हर रोज़ कोर्ट पे जाते हैं, हर रोज़ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो यूपीएससी की इस लंबी जर्नी में आई थिंक बहुत मुझे इसने साथ दिया है। ओलंपिक सपना अगर आप कह रही हैं तो कौन आइडल रहा, किसके जैसा आपको बनना था? तो आई थिंक इंडिया में तो अगर हम दोनों ही साइना और सिंधु को देखें, बैडमिंटन में दोनों ट्रेल ब्लेजर्स हैं। उन्होंने ऐसे टाइम पे परफॉर्म किया जब इतना पाथ ब्रेकिंग था, बहुत ही अमेजिंग था। तो आई थिंक वो दोनों ही बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। उसके अलावा आई थिंक एक नीरज चोपड़ा है जिन्होंने इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है, एंड वो इतने हम्बल रहे हैं, उनके मतलब उनकी बातें सुन के इतना अच्छा लगता है। तो ये कुछ लोग हैं जिनसे विराट जैसा है। हाँ, मतलब विराट कोहली भी मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक उन्होंने भी बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया, बिकॉज उन्होंने क्रिकेट में किस तरह से फिटनेस का पूरा कल्चर लेके आए, वो उन्होंने सब स्पोर्ट्स को इंस्पायर करा है कि प्रोफेशनल साइंटिफिक ट्रेनिंग की तरफ मूव करना चाहिए हमें। अच्छा, एक आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि एक एग्जांपल है सुहास, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बने, ओलंपिक में सिल्वर जीता, अब गोल्ड जीतने की तैयारी। आप कभी सोचती हैं वापस कमबैक करेंगी? आई थिंक अगर मुझे इसका टाइम और अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बिल्कुल ऐसा करना चाहूँगी, बिकॉज आफ्टर ऑल बैडमिंटन मेरा फर्स्ट लव था, मैंने इतना 10-12 साल उसको डेडिकेट करे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं करूँगी। मगर आई थिंक ये जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठी थी तब ये भी हो गया था कि फर्स्ट तो अब यही रहेगा, ये काफ़ी सोच समझ के एक डिसीजन लिया था कि इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसमें जो भी है अपने जॉब को लेके हम कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी मैं नहीं करूँ। लेकिन आप इंडिया नंबर 1 रही हैं, वर्ल्ड नंबर 34 रही हैं, आपके जैसे प्लेयर कम्पीट कर सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं, और वो भी नेशन को बहुत बड़ा सर्विस है। हाँ हाँ, बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये बिल्कुल करना चाहूँगी। तो बहुत सारे सपने हैं कुहु के, और कुहु ऐसी प्लेयर्स में से हैं जो मैसेज देती हैं, एक स्ट्रांग मैसेज देती हैं, न सिर्फ लड़कियों को, सभी को, कि वो आप अगर कुछ सोच लें तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही डेडिकेशन, ऐसा ही फोकस चाहिए होगा। दिल्ली से कैमरामैन स्टीफेंस और सहयोगी मुन्ने भारती के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।